हिंदी नहीं आता तेरी माँ की मेरी माँ क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी तेरी आगे तेरी हिंदी तेरी तेरी माँ तमिल मेरा माँ मारिन टिकर 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 ये बेटी हुई 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 Hey guys, welcome back. Another day in Ooty. तो ऊटी में रात भर हम लोग कितना परेशानी से गुजरे हैं पिछला व्लॉग में आप देख लीजिएगा. रात भर हम लोगों का मतलब ड्रामा हो गया बहुत ही जबरदस्त. तो कार में सोए थे. देखिए सीक्रेट बता दिया ये. तो सुबह उठे सबसे पहले होटल बुक किए. होटल बुक करने में भी परेशानी इतनी हुई. सुबह भी अभी तक होटल नहीं मिला है लेकिन एडवांस पे कर दिया है. एक उम्मीद दिया है खाना मुश्किल. अब तक तो दो होटल टुकड़ा दिया है. तो ये नहीं है सर में दर्द हो रहा है बोल रहे तो सर ऐसे हिल रहा है ऐसे वाइब्रेट करता है ना वो हिल रहा है. तो गाइस ये देखिए हम लोग अभी पहुंच गए अपना जगह जहां हम लोग रहना है अभी कोलकाटरी में. कोलकाटरी देखिए वहाँ देखो कैसा है रोड. खतरनाक है खतरनाक. अभी देखना ना कितना पहाड़ पे चढ़ाते हैं. ओ पहाड़ पे चढ़ रहे हैं. यही है कॉटेज. नहीं हम लोग रहेंगे अब. हमारा नया घर लगता है कि हवाई जहाज हो टेक ऑफ पड़ा. नहीं है थोड़ी. तो गाइस फाइनली हम लोगों को कॉटेज मिला है. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा घर पहाड़ों पे है. तो हम लोग अभी सब लोग पधार चुके हैं. ये वाला जो दिख रहा है यही कॉटेज है जहाँ पे हम लोग हैं. ड्यूप्लेक्स ड्यूप्लेक्स नहीं है सिंगल डेलक्स है. तो अच्छा है कॉटेज अच्छा मिल गया हम लोगों को. तो यहाँ पे रहेंगे आपको मैं अंदर अभी लेके जा रहा हूँ और अभी आपको रूम दिखाता हूँ कैसा रूम मिला है हम लोगों को. देख सकते हैं आप ये है और एक आरोकी भाई हाय. ये है हमारे यहाँ के मैनेजर साहब और ये देखिए रूम. वैसे सब लोग अभी तैयार हो ही रहे हैं लगभग तैयार हो गए हैं निकलना है अभी फटाफट से. ये देखिए हमारा रूम. ये रूम सबसे बड़ा रूम था इस कॉटेज का जहाँ पे दो बेड आ गया आराम से. एक किंग साइज बेड था और नीचे के लिए एक बेड दे दिया था. बहुत अच्छा कंफर्टेबल बेड था. टीवी वगैरह सब कुछ अवेलेबल था. कबर्ड्स दो दो अवेलेबल था जो कि मम्मी बोले कि इसको रिटर्न कर दो बोलो कि ले लो और थोड़ा रेंट कम कर दो क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था अनएक्सपेक्टेड था. बोला तो 3 से 4 गुना ज़्यादा था रेंट इस टाइम में जब हम लोग गए हुए थे. तो देख लीजिए रूम तो बहुत अच्छा मिला हम लोगों को और वॉशरूम भी बहुत अच्छा है साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एवरीथिंग इज गुड. क्या कर रहे हैं ठंडा ठंडा पानी आ रहा है. ये देखिए वॉशरूम भी यहाँ का साफ सुथरा. गीजर हमेशा अवेलेबल रहता है यहाँ पे. गरम गरम पानी अच्छा है. मेंटेन अच्छा किया है लोग कॉटेज भी है ना. तो चलिए अब नेक्स्ट बाहर जाएंगे घूमेंगे फिर आज क्या क्या कवर करेंगे आप लोग को अपडेट देंगे. हाँ बोलो. तो वैसे ये देखिए रास्ते कैसे हैं और हमारे ड्राइवर साहब की हालत भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कहने वाली बात सच में बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमारे ड्राइवर को क्योंकि सूरत भी देख नहीं सके. अब ड्राइविंग करने वाले क्या बोलते हैं ड्राइवर ही ना बोलते हैं. बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं माशाल्लाह. ये देखिए डाउन किस तरह से ऐसे लगता है जैसे स्लाइड नहीं करते बच्चे वैसा स्लाइड्स है. ऐसी जगह गाड़ी चला रहे हैं ब्रेक पे है ना चढ़ के आना पड़ता है. हाँ घर नीचे है और हम लोग आसमान पे. सच में ऐसे हो गया है घुमाओ ना घुमाना. अरे भाई घुमाएंगे क्या साइकिल है उठा के घुमा दे. चूहा खाया हुआ दे देते हमको. यहाँ देखिए पार्किंग का बिल ले रहे हैं. हिंदी तेरी माँ हिंदी नहीं आता तेरी माँ की मेरी माँ क्या बोलते हैं आप लोग. हिंदी तेरी है दे तेरी दे तेरी दे. अच्छा ठीक है थैंक यू मैडम. हिंदी तेरी माँ और हिंदी क्या बोलते रहते हैं कुछ तो मेरा बाप. हिंदी तेरी तेरी माँ तमिल मेरा बाप. तो ये है गवर्नमेंट रोज गार्डन. रोज गार्डन में टिकट टिकट दो टिकट दो बेटा. यस आ जाइए. ये देखिए रोज गार्डन का ये है नजारा और ये है हमारी ऊटी जो है ना बड़ा खूबसूरत नजारा है. बाप रे बाप रे. ये देखिए इधर घर है कितना मस्त व्यू है.
हर तरफ तेरी ही है नजारा। रेन रोज़ सब कुछ है यहाँ पे, अभी तक तो इतने नजर आ गए हैं, कुछ यूनिक रोज नजर आएगा तो आप लोग बता देंगे। मस्त सीन है और ये जबरदस्त सीन है, पैसा वसूल सीन है, खतरनाक घर ऐसा लग रहा है कि पहाड़ में एकदम स्टेप बाय स्टेप सजाया गया है, है कि नहीं? हाँ, जबरदस्त सीन है भाई। ऐसे निकलते हुए देखिए, यहाँ पे लगता है हम लोगों के लिए ये फ्रेम बनाया गया था, ये देखिए। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ रोज गार्डन में, और इस रास्ते से उन लोगों को मैं अभी भेजा हूँ नीचे, और वहां से जाके यहाँ पे देखिए कितना सुपर सीन है। ऐसा सीन है कि मतलब देखने लायक है मंजर यहाँ का, और इन लोगों को भेज चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए ये कितना मस्त सीन है, ये है फाउंटेन यहाँ का, ठीक है। और वो लोग हाय हेलो 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 कहा, ओ भाई आओ ना आओ ना आओ ना जय ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। ये देखिए शाहदेव साइकिल चला रहा है, लेकिन शाहदेव तो शाहदेव की मम्मी भी यहाँ बहुत मजाक किया। कहा मैडम, बचपन का याद आ रही है? ये दोनों का है, बड़ों का भी बच्चों का भी है। अच्छा अच्छा, बचपन याद आ गया इन लोगों का। देखिए बहुत बहुत ज्यादा लंबा है, घूमने के लिए घूम लिए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब उतरो नीचे आ जाओ। मैं नीचे? अब पहले मारे ना। ये देखिए शेर बोलते हमने आपको घोड़े पटके बोलते हमारे का नहीं। अल्लाह घोड़ा 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 तुम बस दौड़ेगा नहीं। ऊटी में हाँ अपना गाड़ी लेके घूमने का मजा ही कुछ और है, नहीं ऐसा लग रहा है अपना घर के बगल में ड्राइव कर रहे हैं। मजा आता है यार, जिधर जाओ अपना गाड़ी घुमा दो फुर। बस ये है कि ड्राइविंग अच्छे से आनी चाहिए। अरे ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग बाएं हाथ का, राइट लेके चलना है आगे। राइट लेके? हाँ। अच्छा तुम लोकेशन बताते रहो, हम लोकेशन यहाँ देख देख के बताते रहेंगे। ये देखो पेड़ कितना खूबसूरत है, ऊपर से वो बिल्डिंग का खूबसूरती, क्या खूबसूरती है। ऊटी वाकई है, तभी तो यहाँ होटल नहीं मिलता है पूरी रात। कुछ खैर इसका सिगरेट आपको अगर फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखे हैं, फर्स्ट ब्लॉग में जाके देखिए। हाँ। जबरदस्त आपको वहाँ पे सीन मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है वीकेंड की वजह से, छुट्टियों की वजह से। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है, तो ना पेंट वेंट डाल के कितना मजा आएगा देखने में, नहीं? हाँ। बहुत अच्छा व्यू है, ये देखिए खेलने का भी बहुत है यहाँ पे। हाँ, बच्चों का रोलर कोस्टर है यहाँ पे। अभी तक हम लोग बोट का फीस नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी बच गए 3:30, बोलता है 2 ओवर वेटिंग पीरियड है। ए बेटा नहीं, 2 ओवर वेटिंग पीरियड है, उसके बाद आपको बोट में बैठना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास है ही सिर्फ 1.25 घंटा, तो देखते हैं कुछ जुगाड़ होता है तो करके बैठ जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही देख के निकलते हैं। शाहजब हम लोग टिकट ले चुके हैं, आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ कैश अलाउड है। हम लोग 6 सीटर वाले देखिए बोट पे बैठ रहे हैं अभी, सब लोग अभी फटाफट से अपना अपना लाइफ जैकेट पहनेंगे फिर बैठ जाएंगे। जैकेट पहनो सब लोग, हमको भी एक दे दो। तो गाइस हम लोग बोट में फाइनली बैठ चुके हैं सब लोग, हाँ। मम्मी फर्स्ट टाइम बैठे हैं बोट पे। हम लोग जब टिकट लिए थे हम लोगों को बोला गया 1 घंटा वेटिंग पीरियड है, हम लोग घबरा गए, लेकिन विद इन 15 मिनट वी गॉट बोट। ये देखिए ये है भैया जी, हाय भैया हेलो। तो ये देखिए हम लोग कहाँ आ गए हैं, अरे बाबा अभी आपको नजारा दिखाते हैं आगे। मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है खूब। शाहजेब तो यहाँ से यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ उठ के चला गया वहाँ, अभी वहाँ जाके बैठ के सामने से मजा।
मजा ले रहा है। अच्छा घुमाते हैं यहाँ मास वहाँ बोला घटा थोड़ा सा ही है वो बहुत देखो गजब सुपर सीन सुपर डुपर मजा आ गया। पैसा वसूल पैसा वसूल अभी पैसा वसूल करके पैसा वसूल अभी मोबाइल चला जाएगा तो पैसा वसूल हो जाएगा। टर्निंग 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 ये देखो टर्निंग खतरनाक टर्निंग वाह वाह आहिरे और एक राउंड लगाएंगे हम लोग अभी मैं पेट नहीं भर रहा है हमारा एक और एक राउंड लगा लगाती कहते 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया तो ये भैया का एक्स्ट्रा कमाए। यहाँ पे बोटिंग ही नहीं है सिर्फ ये देखिए हाय 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 वी आर फ्रॉम केरला ओके ओके वी आर टूरिस्ट फ्रॉम केरला टूरिस्ट फ्रॉम केरला यू आर फ्रॉम From Bangalore. Bangalore. Yeah. Oh, nice place. Oh, yeah, we love yeah. Bangalore. Yeah, we also love Kerala. यहाँ पे मार्केट भी है बहुत अच्छा। फैमिली लेके आए हैं तो आप घुस के आराम से खूब मार्केटिंग कर सकते हैं। ये अंदर की गली में भी मार्केटिंग है। अगर शरारती बच्चा है तो हम तो कहते हैं कि सीधे एकदम पतली गली से निकल जाइए घर। जैसा कि ऊटी का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंड है और अभी ऑलरेडी हम लोग बोटिंग करके आए हैं। बोटिंग करने के बाद ठंड लग गई है सबको। अब लोग देखिए गरम गरम पकौड़ा यहाँ पे दबा के एकदम है ना। अच्छे से खाइए अच्छे से आराम आराम से बहुत अच्छे हाँ। मौसम के एतबार से यहाँ पे चाय पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी। 20 रुपए का भुट्टा 50 रुपए में खाइए और एंजॉय कीजिए ऊटी का सफर। कार में बैठने से पहले फिनिश करना पड़ेगा। कार में बैठने नहीं देंगे गंदा हो जाएगा ना। हेल्दी हेल्दी खाती है बच्ची। ये बच्चा हेल्दी नहीं खाता है तो हाँ वो भी तो भुट्टा खाए हाँ हेल्दी खाते हैं बेटा वेरी गुड। खा लिए फिनिश कर दिया। देखिए चेहरा देखिए शाहजब का पूरा फिनिश किया है ना शाहजब वेरी गुड। तो अब हम लोग जाने वाले हैं ऊटी चॉकलेट फैक्ट्री जो सबसे फेमस है यहाँ का। वहाँ जाएंगे देखते हैं किस किस्म किस्म के चॉकलेट्स मिलते हैं। अरे वहाँ जाएंगे क्या यहीं पे दिखा दो नहीं बगले में है तो अभी पूरा डिटेल से बताएंगे। जाएंगे ऐसा लगता है 50 किलोमीटर दूर है। बहुत प्रॉब्लम है बॉटनिकल गार्डन मुश्किल है देखना आज क्योंकि टाइम टाइम कितना हुआ 6:05 हो गया है ना। अब निकल रहे डायरेक्ट खाना खाएंगे खाना खा कर फिर जाकर कोशिश करोगे चले बने रहिए हमारे साथ। आप 8:06 हो गया और हम लोग अभी मार्केट में ही है। गाड़ी पार्क कर दी है किसी और रेस्टोरेंट में और खाना खा रहे हैं किसी और रेस्टोरेंट में क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं उनके पास पार्किंग है नहीं तो इसीलिए करेक्ट हाँ मेरा वीडियो देख के हसमत अली। ये होटल है सईदी रेस्टोरेंट और मैडम लोग उधर हैं कहाँ हैं मैं दिखाता हूँ अभी। खाना यहाँ पे तो खिलाया गया है अच्छा ही है। ये देखिए हो गया बेटा जल्दी खाओ टाइम बहुत हो गया नहीं तो वरना फिर हम लोग का कॉटेज बंद हो जाएगा। रात के बज गए हैं 8:32 और गाइस हम लोग यहाँ ऊटी में शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए सामान खरीदिए बहुत सारा हाय ये देखो माई बाय बाय तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:30। हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आप लोग देख सकते हैं निकल गए हैं। सारे खिलौने ले लिए नानी का हाथ पकड़िए। तो अभी तक शॉपिंग करते करते हम लोग यहीं पे अटके हुए हैं जहाँ पे खाना खाए थे। अभी तक घर गए नहीं है रूम पे हमारा कॉटेज है वहाँ तक गए नहीं है।
देखिए कब तक पहुंचते हैं, अभी 9:30 बज गए हैं, जाना है सोना है, फिर सुबह उठ के फिर से निकलना है घूमने के लिए।